इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तान बासमती चावल जो है दुनिया भर में खुशबू और जायके की वजह से शोहरत रखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कितने जायकेदार हमारे चावल होते हैं। इनका जितना ये लंबे हो जाते हैं, जिस तरह की इनकी खुशबू है, वो पूरी दुनिया में हमें बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। लेकिन अफसोसनाक बात अब ये है हमजा कि बैरून मुल्क भेजे जाने वाले बासमती चावलों के ऑर्डर में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो है कमी वाकई हुई है। हाँ जी, और पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल के इन्हीं 6 माह के मुकाबले में 10% कम चावल बरामद किया। और सरकारी आदादोशुमार की हम बात करेंगे और उनके मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान से बासमती चावल की बरामद में 38% तक कमी वाकई हो गई। और ये जो बरामद है, इससे ज्यादा, इसकी ज्यादा कीमत के साथ साथ इस पर तहकीक के शोबे में जो कमी है, उसकी वजह से भी ये बड़ी मुतासर हो रही है। हमारी बरामद चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े अफराद जो है, उनका ही कहना है कि बासमती चावल की बरामद के शोबे में भारत आगे निकल गया। उसकी वजह कि इनकी आलमी मंडियों में कीमत भी कम है, नई इकसाम और पुरानी इकसाम के बयार को बरकरार रखने के लिए तहकीक भी उन्होंने की हुई है, और पाकिस्तान से चावल की बरामद में हायल रेगुलेटरी मुश्किलात ने भी बासमती चावल की बरामद को मुश्किल बना दी है। और ये कभी एक ऐसे वक्त में वाकई हुई है जब पाकिस्तान और इंडिया यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल के जोग्राफियाई इंडिकेशन के जो हकूक है उस पर एक दूसरे के आमने सामने, और जहाँ तक मेरी इतला है, पाकिस्तान को मिल गया GIT टैग जो है वो मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान सालाना 70 लाख टन से ज़्यादा का चावल पैदा करता है, जिसमें 40 लाख जो टन है वो बरामद कर दिया जाता है, और जबकि बाकी जो मांदा रह जाता है वो मुल्क में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों जगह पर एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन कीमतें पाकिस्तान के अंदर भी कम नहीं हुई हैं। तो ये एक हैरत की बात है। इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राइस एक्सपोर्टर शम्सुल इस्लाम साहब। शम्सुल इस्लाम साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के भारत के मुकाबले में बासमती चावल की बरामद क्यों कम हुई है, बुनियादी वजूहत आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कोरोना ने इससे ऊपर कोई असर नहीं डाला, बल्कि कोरोना के बाद से तो डिमांड बढ़ी थी हमारी। पाकिस्तान में आपको पता है कि बेसिकली 4 कैश क्रॉप्स हैं, जिनमें वीट है, कॉटन है, शुगर केन और राइस। ये जो ऊपर जो पहले बताई है, 3 क्रॉप में मुसलसल डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन राइस की वो वाहिद क्रॉप है जिसमें हर साल जो है प्रोडक्शन बढ़ रही है। लास्ट ईयर जो 7.2 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी, तो इस दफ़ा 7.7 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है। और डिस्पाइट इसके कि प्रोडक्शन बढ़ गई, प्राइसेस जो है, जब फार्मर ने हार्वेस्टिंग की और पैडी मार्केट में बेची, तो उसको ऑन एवरेज जो है वो $300 पर टन के हिसाब से पैडी की प्राइस मिली। अब $300 पर टन की पैडी की प्राइस को चावल को बना के उसको जो है $850 से $900 $1000 तक पहुंचा दिया गया है। और उसकी बेसिक मेन वजह यह है कि इसमें वो एलिमेंट जो होर्डिंग करते हैं, ज़खीरा अंदोजी करते हैं, जैसे आपको पता है कि गंदम की भी ज़खीरा अंदोजी होती है, और गंदम के बाद चावल जो है वो सेकंड स्टेपल है पाकिस्तान में, आप काफ़ी खाया जाता है। तो उन होल्डर्स ने उसकी होर्डिंग की और सीज़न स्टार्ट होते ही होर्डिंग शुरू हो गई, और उससे प्राइसेस जो है कई गुना बढ़ गई। डिस्पाइट इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा कंपटीटर है, सोलो कंपटीटर, वहाँ पर प्राइसेस कम हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि क्रॉप साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो उस वजह से होल्डर ने होर्डिंग की, और आज जो है पाकिस्तान की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपटीटर के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो है कोविड ने लोगों की इनकम पे असर डाला, और वो अब सस्ता चावल ढूंढते हैं, तो सस्ता चावल देखने के लिए उनको अल्टरनेटिव इंडिया से मिल जाता है, तो वो फिर वहाँ पर अपने ऑर्डर पास ऑन कर रहे हैं, वहाँ उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई। और इसमें एक और हुकूमती पॉलिसी का भी दखल है, जो कई सालों से अगर आप देखें तो 2008-09 में जो है हमने तकरीबन 12 लाख टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जो अब तकरीबन आधा हो गया है, कोई 6-6.5 लाख टन के करीब आ गया है। और उसमें वजह यह है कि मुसलसल स्टेट बैंक की तरफ से एक रिफाइनेंस पॉलिसी जो है वो चावल में दी जाती है, जिसका मेन पर्पस जो है पॉलिसी का वो ये है कि वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाए। लेकिन बासमती में चावल में आपको पता है कि वैल्यू एडिशन सिर्फ धान से चावल बनाया और उसको प्रोसेस कर दिया, तो इतनी वैल्यू एडिशन नहीं होती। लेकिन वो 3% पे मिलने वाला जो लोन है उसको बहुत से लोग मिसयूज़ करते हैं, और उसकी वजह से प्राइसेस
बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। कुछ साल पहले बासमती जो है वो 50 रुपये किलो मिलता था, आज अगर आप मार्केट में लेने जाएँ तो आपको 150, 200 रुपये किलो चावल मिलेगा। तो ये डबल एज आपके साथ सोर्ड ने काम किया है इस रिफाइनेंसिंग ने, कि ना सिर्फ एक तरफ तो लोकल मार्केट में चावल की कीमत बढ़ाई है बल्कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी आउट कर दिया। ठीक है शम्सुल इस्लाम साहब, हमें ये भी मालूम है कि इंडिया जो है वो ये GIT टैग हासिल करने के लिए कितना उन्होंने सरधड़ की बाजी लगाई हुई थी। वजह यह है कि हमारे यहाँ से पिंक सॉल्ट वो उठाते हैं, अपना टैग लगाते हैं और पूरी दुनिया में अपने नाम से बेचते हैं। यही वो हमारे बासमती चावल के साथ भी करते हैं कि यहाँ से भी लेते हैं और अपने टैग और अपने नाम के साथ जो है वो दुनिया में सेल करते हैं। एक तो इस मामले के बारे में बताइएगा और दूसरा, मैंने खुद भी बाहर जाके खरीदा है तो जो एक आपको होता है ना स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके तहत ना हमारी पैकेजिंग उस क्वालिटी की है, ना हमारी क्वालिटी एश्योरेंस उस तरह की है, ना हमारे यहाँ राइस पॉलिश का वो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ना वेराइटीज हम उस तरह से उनको मार्केट करने की जो है स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है। तो ये लैकिंग्स भी तो हमारे यहाँ पर है कि गवर्नमेंट एंड पे है या फिर राइस एक्सपोर्टर्स के एंड पर है। देखिए जी, नो डाउट मार्केटिंग हमारा मेन इशू रहा है और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इसके ऊपर काम सीरियसली नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो एसोसिएशन में डोमिनेट लोग करते हैं वो बासमती में इतना काम नहीं करते, ज़्यादा नॉन बासमती में वो काम करते हैं। तो एक मार्केटिंग कंपेन जो एसोसिएशन लेवल पे होनी चाहिए थी कि हमारा बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का चावल है, उसके अंदर खुशबू है, वो ट्रेडिशनल वैरायटी है, जबकि इंडिया का मैं आपको बताता जाऊँ कि जो चावल वो मार्केट कर रहे हैं एज ए बासमती पूसा 1121 वो बासमती असल में नहीं है, उसके अंदर ना खुशबू है ना जायका है, सिर्फ वो लुक्स लाइक लॉन्ग ग्रेन और आपको बासमती चावल नजर आता है लेकिन वो बासमती असल में नहीं है। और ये अवेयरनेस हमारी रीप ने क्रिएट करनी थी थ्रू मीडिया कंपेन। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, तो छोटे छोटे क्लिप्स बना के रीप को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की और उसका रिजल्ट ये निकला कि कंज्यूमर क्योंकि इनोसेंट है, अब जनरेशन चेंज हो रही है, हमारी जो मदर्स को पहचान थी चावल की है वो अब वो नई नस्ल को इतनी पहचान नहीं है, तो वो लंबा दाना देख के बासमती चावल समझ के ले आते हैं, हालांकि उनको जो है इंडिया कंज्यूमर को चीट कर रहा है, इनोसेंट कंज्यूमर को चीट कर रहा है और उनसे प्राइस भी वो ज़्यादा लेता है, जो नॉन बासमती जो $400-500 की होनी चाहिए उसको वो $700-800 में बेच देता है। यही पाकिस्तान का जो है अच्छी क्वालिटी होती है लेकिन उसके बावजूद उसको वो प्राइस नहीं मिलती क्योंकि सामने कंपेटिटर जो शेल्फ पे प्रोडक्ट रख के बैठा हुआ है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में पैकेजिंग वाकई इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप ही नहीं हुई। अगर आप चंद गिनती की बहुत अच्छी पैकेजेस कंपनीज को देख लें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट आपको इतनी ज़्यादा पड़ती है, फिर उनसे अगर आप ऑर्डर बुक करें तो 3-3, 6-6 महीने। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था पाकिस्तान का जो बासमती चावल है जो यूरोप में बिकता था उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि यूरोप में किस तरीके से भारत के चावल को प्रेफरेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी चावल। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के चावल पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी की हैं, मतलब पाकिस्तान डेफिनेटली जलेगा अगर भारत का चावल पाकिस्तान से ज़्यादा बिकेगा, पाकिस्तान की तुलना में सस्ता बिकेगा तो भारत का चावल से पाकिस्तान की मीडिया का ये इस तरीके की बातें करना डेफिनेटली जायज़ सी बात है। पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि भारत है जो वो नकली चावल बेचता है यूरोप में और यूरोप की जनता को चावल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। आपने इस वीडियो में अगर पूरी तरीके से देखा होगा दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत ही दो देश हैं जो बासमती चावल की बात कर रहा हूँ मैं, बासमती चावल जो आपने खाया होगा पुलाव या बिरयानी में जो बड़ा वाला चावल होता है बहुत, वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी पाकिस्तान से ज़्यादा भारत का जो विदेशों में आयात हो रहा है उसे लेकर बात की जा रही है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है जो उसे लेकर बात की जा रही है। तो दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने बात की है और GI टैग भी पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि उनके पास था लेकिन भारत को भी मिल गया GI टैग। तो बासमती चावल की बात करें तो आपको पता होगा कि चावल बेसिकली बरसात के सीजन में चावल की बोनी होती है और बासमती चावल भारत में भी आपने देखा होगा काफ़ी किसान नहीं लगाते हैं क्योंकि बासमती चावल और जो दूसरे चावल होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है, बासमती चावल प्रति क्विंटल कम निकलता है, मतलब जैसे एक एकड़ में दूसरा चावल है जो लोकल चावल है छोटा चावल है जो बासमती नहीं है नॉन बासमती चावल है वो उससे ज़्यादा उपज होती है और बासमती चावल की एज़ कम्पेयर टू उपज कम होती है और उसको लोकल मतलब लोकल स्तर पर बासमती चावल के उस प्रकार से रेट भी नहीं मिलते हैं, इसलिए बासमती चावल भी आपने देखा होगा आप काफ़ी कम लगाया जाता है लेकिन लगाया जाता है इतना लगाया जाता है कि
बहुत ज़्यादा निकलता है भारत में, आपको पता है। वैसे भी चावल सबसे ज़्यादा भारत में होता है, कहाँ पर, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, यूपी में, यही जगह है चावल के लिए काफ़ी उपयुक्त, सबसे ज़्यादा चावल यहीं से निकलता है और इसके बाद भी दूसरे राष्ट्र जहाँ चावल निकलता है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के थे आरोप, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो अगर आपको और भी देखने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।